नमस्कार दोस्तों, राम कलश है दोस्तों, प्रताप का ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अभी भी सन 2021 चल रहा है, फिर भी लोग दोस्तों बैल पाल रखे हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि बैल कोई नहीं रख रहा है, लेकिन ये चाचा रखे हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे क्या किस तरह पालन कर रहे हैं, क्या इनको बेनिफिट हो रहा है बैल से। लोग ऐसा बोलते हैं कि बैल रखने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आज हम आप लोगों को दिखाएंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि अभी भी जो है बैल को ये पाल रखे हैं, क्या है, कैसा है, सारी चीजें दोस्तों वीडियो बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट में जरूर करें। चाचा जी आपका नाम क्या है, पूरा यहाँ एड्रेस बताइए। तो सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिव कुमार। तो ये आपके दादाजी हैं? हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी हैं। तो आप जो है बैल कितने वर्षों से रख रहे हैं? अरे बहुत पुराने बैल रखे हैं, पहले से ही रख रहे हैं। तो अभी आपके गांव में कितने लोग बैल रखे हैं? लगभग हमें ये क्या रखे हैं, डेलीपुर में यहाँ पर कोई बैल नहीं रखा है। अच्छा, तो इससे आपको जो है क्या क्या काम आ रहे हैं बैल? शौक के लिए रखे हैं, आलू वालू खोदना हो उसको बेहन डालना है, थोड़ा जुदाई देकर सर लेते हैं। जैसे पहले बैल चल रहे हैं उसे चल रहे हैं वैसे ही, मगर जरूरत पड़े यहाँ ट्रैक्टर जुताई होती है बस। कितना बीघा खेत है आपके पास? अरे हमारे पास ज्यादा ढाई तीन बीघा। ढाई से तीन बीघा? ढाई से तीन नहीं, ढाई तीन बीघा। ढाई तीन बीघा नहीं, ढाई से बीघा नहीं। तो इसमें आप ट्रैक्टर से भी जुताते हैं कि सिर्फ ऐसे ही? ट्रैक्टर से जुताते हैं। और बैल से क्या काम लेते हैं अभी? कितना काम हेंगाने के लिए, जुताई करने के लिए, छोटे मोटे अगर हैं उसको जो है जुताई करने के लिए? तो दो बिस्सा। तो इनका जो है नस्ल कौन सा है? भिंडो है। भिंड है, इसका सिंग हिल रहा है, थोड़ा दिखाइए हिला के। तो अरे भाई दिखा दीजिए थोड़ा हिला करके। ये जो है भिंड नस्ल का है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है बड़े लंबे लंबे बरारी, यानी थोड़ा बड़ी नस्ल वाली हैं सब। तो यही तो जो है पहले बैल में जुताई काम में आते थे। तो अभी इनको जो है चारा राशन किस तरह देते हो, क्या क्या देते हो? चारा राशन इनका भूसा, जैसे भैंस को खिलाया जाता है पूरा इनको दे, जैसे भैंस खिलाई जाएगी उसे इनको। तो इसको आप कब तक रखेंगे? इसके बाद जब तक जीवन है इनका तब तक रखेंगे, बेचेंगे नहीं? लेकिन आप वैसे नहीं दे रहे हैं, कोई ले जाए बहा दे छोड़ दे? कितने लोग तो छोड़ दिए? नहीं नहीं, ऐसे बहाई गई तो गाड़ी चाटी थी इनका, भी गंदा मरी। हाँ अच्छा है, ऊपर से शराब भी देंगे आपको। तो ये मान लो बैल जब तक जीवित रहेगा तब तक रखेंगे, जैसे खत्म हो गए गुजर गए फिर रखने का विचार है कि नहीं? फिर नहीं रखेंगे, सिर्फ ये क्या है कि मजबूरी हो गई कि अब इनको करें तो क्या करें ना? बाहर दे दें, कोई कटिंग में चला जाए ये भी नहीं ठीक है। अरे अभी 20,000 की जोड़ा बैल के लिए। अच्छा, इस समय जब बैल ले आए थे तब ना, तो बैल ने घर में तक खाना छोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा, ये बैल कितना शौक करते हैं ना, एक दिन बैल बीमार हो जाए ना, समझ लो उसके सारी रात खाना भी नहीं खाते हैं। तो यही है कि इसमें इनको तभी तक आप रखेंगे जब तक ये जीवित है, इसके बाद बैल पालन नहीं करना है। तो दोस्तों यही एक है कि इनका जो है एक बार खरीद कर ला लिए हैं तो इसको जो है किसी को दे भी नहीं सकते, अगर कहीं भी देते हैं तो कटिंग में जाएंगे कैसे भी जाएंगे, लेकिन इनका यही मानसिकता है कि हम इसको बेचेंगे नहीं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।